क्या तुमको पता है कि तुम माइनक्राफ्ट में स्पाइडरमैन बन सकते हो? और तो और माइनक्राफ्ट के कुछ हॉर्सेस में सुपर पावर्स भी होती है, बिल्कुल इस ज़ॉम्बी किंग की तरह। ओके, तो वार्डन को मिला के ये है 27 माइनक्राफ्ट फैक्ट्स जो तुम लोगों को अब तक भी नहीं पता थे। नंबर 1, तो रियल लाइफ में स्पाइडरमैन और माइनक्राफ्ट में स्पाइडर्स, इन दोनों को देखने के बाद ही तुम लोग सोचते होंगे कि भाई काश कि तुम लोग भी ऐसे दीवारों पे चढ़ पाते। बट रियल लाइफ का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन माइनक्राफ्ट में ऐसा जरूर पॉसिबल है। तो अगर तुम्हारे बेस में किसी वॉल को अगर तुम स्नो से रिप्लेस कर देते हो, तो भाई तुम उस वॉल के ऊपर बिल्कुल एक स्पाइडर जैसे चढ़ सकते हो। बट नॉर्मली नहीं, तुमको उसके लिए लेदर बूट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड लेदर बूट्स पहनने के बाद तुम भाई बिल्कुल एक स्पाइडर मैन बन सकते हो। और हाँ, इस ट्रिक की हेल्प से तुम बहुत सारी सीक्रेट चीजें भी कर सकते हो माइनक्राफ्ट में। नंबर 2, तो जब तुम माइनक्राफ्ट में माइनिंग करने जाते हो तो तुम लोग सोचते होंगे कि भाई हर एक ब्लॉक को तोड़ने में ऐसे अलग अलग टाइम क्यों लगता है, जैसे कोबल स्टोन को तोड़ने में कम टाइम लगता है और वहीं ऑब्सीडियन को तोड़ने में भाई दिन से रात हो जाती है। तो इसका रीजन है हार्डनेस ऑफ ब्लॉक्स, क्योंकि माइनक्राफ्ट में हर एक ब्लॉक की कुछ ना कुछ हार्डनेस होती है, जैसे कि ग्लास की हार्डनेस होती है 0.2 और कोबल स्टोन की होती है 5 एंड नेदरराइट ब्लॉक की होती है 50 और ऑब्सीडियन की भी सेम नेदरराइट ब्लॉक के बराबर ही हार्डनेस होती है, मतलब कि 50। लेकिन फिर बेडरॉक की हार्डनेस कितनी होती होगी, 100, 1,00,000, 1,00,000 या फिर इनफाइनाइट? तो उसका आंसर होगा इनमें से कोई से भी नहीं, क्योंकि बेडरॉक की हार्डनेस होती है -1 और इसीलिए तुम उसको कभी भी माइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हार्डनेस ही माइनस में होती है। नंबर 3, तो एंशिएंट सिटी का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि भाई मस्त मस्त लूट। बट वहीं वार्डन का नाम सुनते ही सबके अंदर खौफ छा जाता है। बट तुमको वार्डन से इतनी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्कल्क सेंसर होता है जो कि वार्डन को स्पॉन करता है, भाई वो वार्डन को पहली बार में स्पॉन नहीं करता, क्योंकि वो वार्डन को स्पॉन करने से पहले तुमको एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 3-3 वार्निंग देता है और उसके बाद वार्डन को स्पॉन करता है। और पहली वार्निंग कुछ ऐसे सुनाई देती है और दूसरी वार्निंग कुछ ऐसे सुनाई देती है और तीसरी वार्निंग। नंबर 4, माइनक्राफ्ट के अगर क्यूटेस्ट मोब की बात करी जाए तो उसमें टॉप लिस्ट पे आएगी बीज, क्योंकि माइनक्राफ्ट वालों ने खुद ने बोल रखा है कि भाई बीज माइनक्राफ्ट की सबसे क्यूटेस्ट मोब है। बट इनकी क्यूटनेस तब तक ही रहती है जब तक तुम इनको गुस्सा नहीं दिला देते, क्योंकि भाई गुस्सा होने के बाद ये जो डंक मारती है ना, पूछो मत। बट क्या तुमको पता है कि माइनक्राफ्ट में मधुमक्खियां जब डंक मारती है तो भाई उनके डंक ऐसे सिर्फ इफेक्ट ही नहीं देते तुमको, भाई तुम उस डंक को देख भी सकते हो। लेकिन तुमको वो नजारा देखने के लिए पहले खुद को इनविजिबल करना पड़ेगा एंड उसके बाद तुमको वो डंक क्लियरली दिखेंगे। नंबर 5, तो अगर तुम में से माइनक्राफ्ट कोई काफी सालों से खेल रहा है तो पहली बात तो भाई तुम एक बहुत तगड़े प्रो प्लेयर हो, और सेकंड बात तो तुमको पता होगा कि भाई पहले के टाइम में जब नई नई माइनक्राफ्ट में बोट डाली गई थी और अगर तुम उन बोट पे बैठने के बाद उसको कहीं पे ठोक देते थे तो भाई वो बोट अपने आप ही टूट जाया करती थी। और टूटने का मतलब ये नहीं कि तुम उस बोट को कलेक्ट कर सकते हो, भाई वो बिल्कुल तुमको प्लैंक्स के रूप में मिलती थी। बट थोड़े टाइम बाद ही माइनक्राफ्ट वालों ने ये चीज माइनक्राफ्ट से हटा दी। लेकिन जो माइनक्राफ्ट का रियल प्रो प्लेयर है उनको भाई अभी भी पता होगा कि भाई अगर तुम माइनक्राफ्ट के किसी बोट को 11, 13 या फिर इन हाइट से गिराते हो तो भाई वो अभी भी टूट जाती है, और इसको तुम खुद के वर्ल्ड में ट्राई भी कर सकते हो। नंबर 6, तो अगर माइनक्राफ्ट में तुमसे कोई हॉर्स अगर टेम नहीं हो रहा, मतलब बहुत बार ट्राई कर लिया तुमने फिर भी टेम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है, क्योंकि वो हॉर्स कोई नॉर्मल हॉर्स नहीं है, वो एक स्पेशल हॉर्स है जिसको अगर तुम गोल्डन एप्पल खिलाते हो तब भाई उसके बाद वो इजीली टेम हो जाता है, एंड भाई उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होती है। और ये सीन भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि भाई ग्रीक गॉड्स के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल टाइप के हॉर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ स्वर्ग में रहते हैं और सोने से बनी हुई चीजें खाते हैं, भाई खतरनाक। नंबर 7, तो माइनक्राफ्ट के हर एक अपडेट के साथ बहुत सारी चीजें माइनक्राफ्ट में ऐड होती है एंड उसके साथ साथ कुछ खतरनाक मोब्स भी ऐड होते हैं। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के कारण भाई कई बार तुमको पता नहीं रहता कि माइनक्राफ्ट वालों ने क्या क्या ऐड कर दिया माइनक्राफ्ट में। और ऐसी एक रिसेंट अपडेट में माइनक्राफ्ट वालों ने एक नया आइटम ऐड करा है जो कि है रिकवरी कंपास। तो अगर तुम माइनक्राफ्ट में बार बार मर रहे होते हो और उसके बाद तुम हर बार सामान खोने का दुख मनाते हो तो भाई अभी तुम उससे बच सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये रिकवरी कंपास है तो भाई ये कंपास तुमको वो लोकेशन दिखाएगा जहाँ पे तुम लास्ट टाइम मरे थे, और ऐसे तुम तुम्हारा सामान वापस से कलेक्ट कर सकते हो। बट अगर तुमको ये कंपास चाहिए तो भाई तुमको मौत के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपास को बनाने के लिए भाई 8 इको शार्ट्स चाहिए होते हैं
जो कि तुमको सिर्फ एंशंट सिटी में मिल सकते हैं। तो भाई तुम वार्डन से सुलटो और तब तक मैं बताता हूँ नंबर 8। तो जब तुमको किसी ब्लॉक को कलर करना होता है तब तुमको डाई की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन तुम डाई कलेक्ट करने के लिए क्या करते हो? सीधे फ्लावर्स वैली में जाते होंगे और फ्लावर्स कलेक्ट करके वापस खुद के बेस पे आ जाते होंगे। बट भाई फ्लावर्स को बिना तोड़े भी तुम डाई कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमको कोई डबल लेयर्ड फ्लावर दिख रहा है तो भाई तुम उसके ऊपर सीधे बोर मिल करके डायरेक्ट फ्लावर्स को कलेक्ट कर सकते हो बिना उसको तोड़े। नंबर 9। तो माइनक्राफ्ट में वार्डन के साथ साथ बहुत सारी खतरनाक चीजें ऐड हुई है और उनमें से एक है स्कल्क, जिसके आजू बाजू तुम अगर किसी भी मॉब को मारते हो तो भाई वो स्कल्क खुद को एक तरह से एक्सपेंड कर लेता है। बट क्या तुमको पता है कि तुम इस स्कल्क की हेल्प से खुद का कोई मैसेज भी दूसरों को दिखा सकते हो? क्योंकि भाई ये जो स्कल्क है ये स्लैब्स के ऊपर काम नहीं करता, तो अगर तुम नॉर्मल ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लैब्स लगा देते हो तो भाई वो एक तरह से अलग मैसेज का काम करेंगे तुम्हारे लिए, जो कि बिल्कुल ही खतरनाक चीज है। नंबर 10। तो जब तुम फर्स्ट टाइम नेदर में गए थे तो तुम लोगों को पता तो होगा कि भाई नेदर कितना ज्यादा डरावना होता है, और अगर अभी की बात करें तो नेदर डरावना तो नहीं है लेकिन खतरनाक तो अभी भी है। लेकिन नेदर के डेंजर्स को अपन कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तुम ओवरवर्ल्ड से नेदर के अंदर जाते हो एंड जब नेदर लोड हो रहा होता है एंड अगर उस टाइम पे तुम अगर खुद की शील्ड को लॉक कर लेते हो तो भाई वो शील्ड नेदर में पहुंचने के बाद लॉक ही रहेगी, चाहे तुम भाग रहे हो या फिर जंप कर रहे हो। लेकिन अगर तुम खाना खाते हो या फिर कोई ब्लॉक प्लेस करते हो तो भाई वो शील्ड अनलॉक हो जाएगी। लेकिन भाई जब तक तुम ये दोनों काम नहीं करते तब तक तो भाई तुम एक बिल्कुल सुपरमैन बन के रह सकते हो नेदर के अंदर। नंबर 11। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माइनक्राफ्ट का सबसे स्लोएस्ट मॉब कौन सा है, बट क्या तुमको पता है कि माइनक्राफ्ट का सबसे फास्टेस्ट मॉब कौन सा है? तो उसका आंसर होगा स्लाइम। और वैसे तो स्लाइम को कोई कभी भी भाव नहीं देता, लेकिन भाई यही माइनक्राफ्ट का सबसे फास्टेस्ट मॉब है अगर इसका साइज तुम मैक्स कर दो। नंबर 12। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक अपडेट कौन सा है तो तुम में से कई लोग बोलेंगे केव्स एंड क्लिफ्स अपडेट, कोई कोई बोलेगा विलेज एंड पिलेज अपडेट, और कोई कोई पता नहीं क्या क्या ही बोलेगा। लेकिन क्या तुमको पता है कि माइनक्राफ्ट वाले हर साल सबसे खतरनाक अपडेट लॉन्च करते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, बट होता वो सुपर सीक्रेट है और सुपर खतरनाक भी। और इन अपडेट्स के अंदर खतरनाक खतरनाक चीजें आती है, जैसे कि पिंक विदर, डायमंड चिकन और कस्टम डायमेंशंस भी, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। और ये अपडेट लॉन्च होते हैं भाई 1 अप्रैल को, मतलब कि ये अप्रैल फूल्स अपडेट होते हैं, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। बट पता नहीं यार लोग इनको ट्राई क्यों नहीं करते, जबकि इनको ट्राई करने में भाई अलग ही लेवल का मजा आता है। तो अगर तुमको ये कस्टम डायमेंशंस का वीडियो देखना है तो भाई तुम ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। नंबर 13। और अब जब अपडेट्स की बात कर ही रहे हैं तो भाई अब मैं तुमको कुछ सीक्रेट अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि अभी आना तो बंद हो गए, बट भाई जब माइनक्राफ्ट स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तभी अपडेट्स आया करते थे एंड इनके अंदर जो चीजें आती थी वो भाई माइनक्राफ्ट की सबसे खतरनाक चीजें अभी तक की, जैसे कि शील्ड, स्नीकिंग, सैडल, माइनकार्ट, कंपास, फेंसेस। माइनक्राफ्ट वालों अब क्यों बंद कर दिया तुमने ये सीक्रेट अपडेट्स देना, भाई कितनी तगड़ी तगड़ी चीजें ऐड करी थी। नंबर 14। तो माइनक्राफ्ट में अगर ट्रीज की बात हो रही हो तो भाई इनको कोई बिल्कुल भी भाव ही नहीं देता, क्योंकि भाई ये जस्ट वुड देते हैं तुम लोगों को और कुछ नहीं। बट क्या तुमको पता है कि भाई ये ट्रीज तुमको जिंदा खा भी सकते हैं, क्योंकि अगर तुम एक फ्लैट वर्ल्ड बनाते हो एंड उसमें टॉप लेयर के तौर पे अगर तुम सैपलिंग सिलेक्ट करते हो तो भाई एक ऐसा वर्ल्ड बनेगा जो तुमको वहां पे स्पॉन होते ही खाने लग जाएगा। नंबर 15। तो वैसे तो माइनक्राफ्ट में वार्डन को मारने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उनमें से सबसे इजी वाला कौन सा है जिनमें भाई तुमको लड़ना भी नहीं पड़े वार्डन से? तो उसका आंसर होगा भाई वुल्फ और बीज, क्योंकि वार्डन एक बार में सिर्फ एक ही मॉब पे अटैक करता है, और अगर तुम बहुत सारे वुल्फ को पैट कर लेते हो तो भाई तुम सीधे उस वार्डन पे अटैक कर सकते हो एंड वुल्फ के ऊपर ऐसे ब्लाइंडनेस भी कुछ नहीं आएगी, तो भाई वार्डन की धुलाई होना पक्का है बिल्कुल। नंबर 16। और वैसे तो ये वाला सीक्रेट तुम में से काफी लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि तुम में से भाई काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो अगर तुम किसी आर्मर के ऊपर थ्रोन्स की एंचेंटमेंट लगाते हो एंड उसके बाद तुम पे कोई अगर मोब अटैक करता है तो भाई उसको अपने आप डैमेज मिलेगा, तुमको उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो तुम पे अटैक करता रहा तो भाई वो अपने आप ही मर जाएगा। एंड अगर इस आर्मर को तुम किसी विलेजर के ऊपर लगा देते हो तो भाई तुम तुम्हारे दोस्त के साथ प्रैंक भी कर सकते हो कि भाई मैं इस विलेजर को मार रहा हूँ बट ये विलेजर मेरे को वापस मार रहा है। नंबर 17। तो वैसे तो एंड पोर्टल के पास जाने के बाद सबके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई एंडर ड्रैगन को कैसे मारना है, क्या करना है, कैसे क्या क्या होगा। बट कभी तुमने सोचा कि एंडर पोर्टल के नीचे लावा क्यों दिया हुआ है?
तो उसका आंसर होगा क्योंकि भाई एंडर पोर्टल को लिफ्ट करने के लिए काफी ज्यादा हीट चाहिए होती है जो कि उस लावा से मिल जाती है। तो अगर तुम उस एंड पोर्टल के नीचे अगर स्नो लगा देते हो तो भाई तुमको पता लगेगा कि भाई एंड पोर्टल को लिफ्ट करने के बाद वो स्नो भाई कोबल स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 18। तो वैसे तो माइनक्राफ्ट में काफी सारी चीजें करने से पहले अपन पहले से ही डर रहे होते हैं, जैसे कि किसी पिगलिन के ऊपर अटैक करना, क्योंकि अगर तुमने एक पिगलिन के ऊपर अटैक किया तो भाई बाकी सारे पिगलिन आके तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। एंड वैसे ही किसी विलेजर के ऊपर अटैक करना, क्योंकि अगर तुमने किसी विलेजर के ऊपर अटैक किया तो भाई वो खुद की ट्रेड्स को बहुत ज्यादा महंगा कर देंगे। बट क्या तुमको पता है कि अगर तुम किसी विलेजर के ऊपर लाइटनिंग करवाते हो तो पहली बात तो ये कि तुमको एक खतरनाक सी एडवांसमेंट मिलती है जिसका नाम है वेरी वेरी फ्राइटनिंग। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम किसी विलेजर के ऊपर लाइटनिंग करवा देते हो तो भाई वो विलेजर एक विच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसको वापस से विलेजर के अंदर कन्वर्ट करने का भाई कोई भी तरीका नहीं है। नंबर 19। तो वार्डन जब धरती में से निकल रहा होता है और अगर तुम उसी एग्जैक्ट टाइम पे उसको धरती में से निकलने से पहले वहाँ पे अगर 2x2 का गड्ढा कर देते हो तो भाई उसके बफर पीरियड में ये गड्ढा करने के कारण वो भाई बिल्कुल एक तरह से यूजलेस मोब जैसे स्पोन होगा और वो उससे कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाएगा और फिर उसको जैसे तुम चाहो वैसे इजीली मार सकते हो। नंबर 20। तो खुद को इनविजिबल करने के बाद तुम लोग सोचते होंगे कि भाई तुम लोग बिल्कुल पावरफुल बन चुके हो अभी, क्योंकि तुमको कोई मोब देख ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में 3 ऐसी चीजें हैं जो कि तुमको इनविजिबल होने के बाद भी देख सकती है। फर्स्ट है विलेजर, सेकंड है कैट्स एंड थर्ड है एक एन्चेंटमेंट टेबल। नंबर 21। तो भाई माइनक्राफ्ट में कितनी ही सारी एन्चेंटमेंट बुक्स होती है एंड इतनी सारी बुक्स होने के कारण भाई कई बार अपन भूल जाते हैं कि किस एन्चेंटमेंट का काम क्या क्या होता है। एंड वैसे एक एन्चेंटमेंट है स्विफ्ट स्नीक। तो अगर तुम खुद के आर्मर पे स्विफ्ट स्नीक लगाते हो तो भाई तुम स्नीक होने के बाद भी स्पीड से चल सकते हो, बट ये सीन यहीं तक ही नहीं रुकता, क्योंकि अगर तुम भागते भागते जंप करते हो एंड उसी टाइम पे स्नीक भी कर देते हो तो भाई तुम भागने के बराबर स्पीड से स्नीक कर सकते हो। एंड भाई ये सीन एंशिएंट सिटी में कितना काम आ सकता है ये तो तुम भाई अभी तक समझ ही गए होंगे। नंबर 22। तो कभी ना कभी तुमने ये सीन नोटिस जरूर किया होगा कि तुम किसी एक जोम्बी से फाइट कर रहे होते हो लेकिन उसी टाइम पे बहुत सारे जोम्बी आके तुम्हारे ऊपर अटैक कर देते हैं। और ऐसा अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो इसका ये मतलब है कि तुम किसी नॉर्मल जोम्बी से फाइट नहीं कर रहे, तुम एक लीडर जोम्बी से फाइट कर रहे हो जिसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो बाकी जोम्बीज को भी बुला सकता है तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो अगली बार तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ खतरनाक सीन हो तो भाई समझ जाना कि ये जोम्बी एक लीडर जोम्बी है और उससे बच के रहना। नंबर 23। तो माइनक्राफ्ट में कितने सारे ईस्टर एग्स होते हैं, मतलब कि माइनक्राफ्ट वालों ने कितनी सारी सीक्रेट चीजें माइनक्राफ्ट के अंदर छुपा रखी है बट अपन को बताते नहीं है, अपन को खुद को ढूंढनी पड़ती है। एंड उन्हीं में से एक है जोम्बी और टर्टल एग्स। तो अगर तुम एग्जैक्ट 00 कोऑर्डिनेट्स पे टर्टल एग्स ले जाके रख देते हो एंड उसके आजू बाजू अगर कोई जोम्बीज है तो भाई वो जोम्बीज सीधे उस टर्टल एग की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। और अगर ये सीन देखने के बाद तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों होता है तो उसका आंसर होगा कि भाई जोम्बी इतने खतरनाक होते हैं कि या तो वो दूसरों को खुद के जैसा बनाना चाहते हैं या फिर उसको मार देना चाहते हैं और वो टर्टल एग्स का कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए वो टर्टल एग्स के ऊपर जाते हैं एंड जंप कर करके भाई उनको फोड़ देते हैं। नंबर 24। तो माइनक्राफ्ट में भाई कितना सारा सामान होता है एंड उस सामान को मैनेज करने में भाई हालत खराब हो जाती है, क्योंकि भाई पता ही नहीं होता कि किस चेस्ट में क्या सामान रखा हुआ है और इसीलिए माइनक्राफ्ट वालों ने आइटम फ्रेम्स दे रखे हैं जिससे कि तुम पता लगा सकते हो कि भाई किस चेस्ट के अंदर क्या क्या सामान है। लेकिन अगर तुम आइटम फ्रेम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि अगर तुम किसी चेस्ट को एनविल के अंदर रखते हो तो भाई तुम उस चेस्ट को रीनेम कर सकते हो एंड फिर जो तुम नाम सेट करोगे उस चेस्ट का वो नाम भाई चेस्ट खोलने के बाद तुमको वहां पे दिखाई देगा। नंबर 25। तो अगर तुम किसी खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हो, जैसे कि तुम गिनी मोब से फाइट ले रहे हो और तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल खत्म होने वाली है अभी, या फिर तुम लावा में गिर गए और तुम अभी भाई ऑलमोस्ट मरने वाले हो, तो भाई ऐसी सिचुएशन के लिए माइनक्राफ्ट वालों ने कोरस फ्रूट दे रखा है। तो अगर तुम कोरस फ्रूट खाते हो तो भाई तुम आजू बाजू के किसी सॉलिड ब्लॉक के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाओगे एंड ये चीज भाई कितनी यूजफुल हो सकती है ये तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। नंबर 26।
तो वैसे तो एक प्लेयर भी एक वार्डन को भाई इजीली नहीं मार सकता, एक प्लेयर को भाई कुछ ना कुछ डैमेज तो मिलता ही है। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा मोब है जो कि बिना डैमेज लिए वार्डन को बिल्कुल खत्म कर सकता है, एंड वो है एक शल्कर। तो अगर तुम किसी शल्कर को एंशिएंट सिटी में स्पोन कर देते हो तो भाई वो शल्कर उस वार्डन को बिल्कुल खल्लास कर देगा, क्योंकि जैसे ही वार्डन उसके पास में आएगा भाई शल्कर उसके ऊपर अटैक कर देगा, एंड उसके अटैक होने के बाद भाई वो वार्डन हवा में उड़ने लग जाएगा, एंड इसके बाद वो शल्कर भाई उस वार्डन पे लगातार अटैक कर रहा होगा, एंड इन अटैक्स के कारण भाई फाइनली वो वार्डन मर जाएगा। नंबर 27। तो एंशिएंट सिटी में जो नया वाला पोर्टल ऐड हुआ है उसका तो भाई सब लोगों को पता होगा ही, क्योंकि भाई काफी सारी थ्योरीज आ रही है कि वो पोर्टल भाई एक नई डायमेंशन में लेके जाएगा जहाँ से वार्डन आया था, एंड वो डायमेंशन अभी तक की सबसे खतरनाक डायमेंशन होगी, क्योंकि वार्डन भाई खुद कितना ज्यादा खतरनाक मोब है, तो इसकी डायमेंशन में जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन माइनक्राफ्ट वालों का कहना है कि अभी तो उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वार्डन की डायमेंशन ऐड करे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ जरूर से हो सकता है। बाय।